समंदर में महाशक्तियों की चौकड़ी, भारत की ताकत से चीन के उड़े होश। भारत ने समंदर में वो सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है जिसने जिनपिंग की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है, क्योंकि पहली बार भारत की मालाबार एक्सरसाइज में चार देशों की नौसेनाएं अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी ने बंगाल की खाड़ी में मालाबार महानौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। 13 साल बाद चारों देशों की नौसेनाएं पहली बार किसी महानौसैनिक अभ्यास में एक साथ हिस्सा ले रही हैं। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी चीन के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी दादागिरी बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन उसके पर कतरने के लिए ये बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 2 चरणों में हो रहा है युद्धाभ्यास। मालाबार अभ्यास का पहला चरण विशाखापट्टनम के नजदीक बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। इसका समापन 6 नवंबर को होगा। इसका दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के दौरान अरब सागर में होगा। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री ने इसे एक सुरक्षित, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देने का एक महत्वपूर्ण मौका करार दिया है। इसी तरह भारत में अमेरिका के दूतावास ने इसे हिंद प्रशांत में चारों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग के लिए प्रतिबद्धता को जाहिर करने वाला बताया है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में इंडियन नेवी के 5 जहाज हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक सबमरीन भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिकी नेवी का जॉन एस मैकेकन मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ऑस्ट्रेलिया का बालारेट युद्धपोत और जापान का डिस्ट्रॉयर हिस्सा ले रहे हैं। एक रक्षा सूत्र ने बताया कि इस महीने के आखिर में भारत और अमेरिका इस अभ्यास में एयरक्राफ्ट्स को भी शामिल करेंगे। मालाबार अभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। जापान 2015 में इस अभ्यास से जुड़ गया। अमेरिका चतुपक्षीय गठबंधन को रणनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को नियंत्रण में रखने के लिए एक सुरक्षा ढांचा देने की पैरवी करता रहा है। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का ये 24वां एडिशन है। ये नौसैनिक युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन पिछले 4 दशकों में सबसे गंभीर सीमा विवाद से जूझ रहे हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के खातिर चुनावी मैदान में हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते सैन्य संबंधों की वानगी भर है। इस समझौते के बाद भारत को अब अमेरिका से सैटेलाइट डेटा मिल सकेंगे, जिससे मिसाइलें और ड्रोन और ज्यादा सटीक निशाना साध सकेंगे। समंदर में भारत की ताकत से चीन हुआ बेचैन। चीन को मालाबार अभ्यास के उद्देश्य के बारे में संदेह है, क्योंकि वो महसूस करता है कि ये वार्षिक अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास है। इस अभ्यास की शुरुआत के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबिन ने कहा, हम आशा करते हैं कि प्रासंगिक देशों का सैन्य अभियान इस क्षेत्र की शांति एवं स्थायित्व के खिलाफ नहीं बल्कि उसके अनुकूल होगा। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो शीत युद्ध वाली मानसिकता के तहत अपने सहयोगियों का एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। समुद्र में कैसे बन रहा है युद्ध क्षेत्र। भारत की नौसैनिक गतिविधि के पीछे बड़ा कारण ये है कि चीनी नौसेना ने दक्षिण चीन समुद्र में बड़ी भारी तैनाती की थी। ये तब हुआ था जब अमेरिका ने सीमाएं हथियाते जाने की चीन की रणनीति का विरोध किया था। जवाब में अमेरिका ने भी दक्षिण चीन समुद्र में उन देशों की मदद के लिए कई वॉरशिप तैनात किए थे, इनकी सीमाओं को चीन से खतरा है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मददगार देशों की नौसेनाएं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशनल साथ देने के इरादे से भारतीय नौसेना ने भी कमर कसी है। अब हालात ये हैं कि देश में राफेल फाइटर जेट वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुका है। नौसेना ने समुद्र में जंगी जहाज उतार दिए हैं। लद्दाख में भारतीय आर्मी की बड़ी तैनाती पहले ही हो चुकी है। चीन की तरफ से भी इसी तरह की तैनाती सीमाओं पर हो चुकी है। हालांकि इन सब के बीच दोनों देश शांति के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत के लिए माकूल तैयारियां चीन पर बड़ा दबाव बनाने के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि चीन वो देश है जो दुश्मन की बड़ी तैयारियां देखने के बाद कभी आगे नहीं बढ़ता है।